मिश्रा जी, बीजेपी कहती है और भी बात विमल सिंह ने भी दोहराई कि भाई हम सबको साथ लेके चलेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये इसी थ्योरी का प्रैक्टिकल है कि सबको साथ हम रखेंगे, दूसरी जगह कहीं कोई नहीं रहेगा, ऐसी परिस्थिति बन जाएगी तब नहीं। ये बड़ी पुरानी परंपरा है, बिना किसी बड़े लीडर का नाम लिए हुए मैं बोलूंगा कि कई लोगों ने यह बोला है कि राजनीति में विकल्प के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, विकल्पों की कोई कमी नहीं रहती है। और यह भी एक सुचितापूर्ण स्टेटमेंट है कि भाई मान लीजिए पता नहीं कब बड़े बड़े राजाओं का जो चक्रवर्ती सम्राट थे उनका मोह भंग इस संसार से हो गया, अपने परिवार से हो गया। गौतम बुद्ध का मोह भंग हो गया, अपने परिवार से छोड़ के कहीं और चल दिए। तो अब ये तो 500 लोग हैं, मैं 2500 उदाहरण, कभी भी किसी का मोह भंग राजनीति में हो सकता है, वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अब चूंकि संवैधानिक प्रक्रिया में भी इसके लिए कोई बच्चा है भाई, दिल तो बच्चा है, कभी भी बैठ सकता है, नेता भी स्वतंत्र है। मिश्रा जी, आप बीजेपी के लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो मोह भंग कर दे अपना, बीजेपी से किसी को गाइड नहीं कर रहा सर, संविधान के हिसाब से मैं भी आजाद हूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी बीजेपी ज्वाइन कर लूँ, कांग्रेस कर लूँ, बीजेपी के कुछ दिन रह गए, बीजेपी के कुछ दिन रह गए, मेरी पार्टी को आना ही है। 2024 सबका अधिकार है, यहाँ पे सबको स्वतंत्रता की आजादी दी जाती है। चुनाव ने दिखा दिया, हमारा संविधान हमें कहता है कि हमारी नीति जिसके साथ मिल रही है हम उसके साथ काम कर सकते हैं। मैं कांग्रेस के पास चलूंगा, ना ना मैं भेदभाव नहीं कर सकता कि कांग्रेस को रोकिए। मिश्रा जी, कहाँ दंगा हो रहा है, जहाँ लड़ना जाना है फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके या बंदूक लेके, कहां भारत टूट रहा है, कोई राज्य टूट के कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गया क्या, कहां समस्या है? फीफा देख रहे हो, बता रहे कि जी सांप्रदायिकता से लड़ रहे, फीफा में सांप्रदायिकता है क्या? नहीं, जो देखना चाहिए सो नहीं देख रहे। अमिताभ जी, जी कांग्रेस के सामने जो चुनौतियां हैं, और कांग्रेस का खैर अभी अध्यक्ष तो राहुल गांधी नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है कांग्रेस के, तो उनको प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, किसने सजेस्ट किया? अब चुनाव या ये पद यात्रा शुरू करने के पहले उनके पास तीन इंपॉर्टेंट जगहों पे चुनाव थे, दिल्ली एनसीडी का, गुजरात का और हिमाचल का, उसके ऊपर ना फोकस किया, और मुझे पता नहीं उन्होंने कोई मीटिंग की, कोई कमेटी बनाई कि भाई मैं जा रहा हूं अब तीर्थ यात्रा पे, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग जाते थे ना कि 3 महीने के लिए वो चारों धाम यात्रा पे निकलते थे, तो घर की जिम्मेदारी और चाबियां जो है बड़ी बहू पड़ोसी या किसी को दे के जाते थे, घर के मजदूर वगैरह को, शायद उन्होंने वो भी नहीं किया कि मैं जा रहा हूं 3 महीने 6 महीने का प्रोग्राम है, तो ये सारी चीजें कोई देखेगा। आप ये देखिए, जो इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी रही है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हार जीत छोड़ दीजिए, आपने रिप्रेजेंटेशन देखी? ठीक ठीक, 5 दिन 10 दिन जो चुनाव प्रचार चला एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कि हाँ भाई एक बड़ी पार्टी है, कहीं किसी भी तरीके से सेटिस्फेक्शन मुझे तो नहीं मिल रहा था। ठीक बात, ठीक है, चुनाव हो रहा है, लोगों ने अपने दम पे लड़ लिया, जो कांग्रेस के है खत्म। क्या क्या, मैं एक छोटी सी टिप्पणी मिश्रा जी से लूंगा। मिश्रा जी, अगर जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली की गलियों में पर्चा बांट सकते हैं एमसीडी के चुनाव में, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बांट सकते? नहीं देखिए, यही चीज है, वो क्या ज्यादा बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस? नहीं, बात पार्टी के बड़े और छोटे होने की नहीं है। इंदिरा गांधी आप ये देखिए पैदल कहां गंगा पार करके कब गई थी, तब उनकी रिटर्निंग हुई थी, वापसी हुई थी। देखिए राजनीति में जो जितना ही बड़ा नेता होता है वो उसके उसके पैर उसके जो है धरातल पे उतना ही जबरदस्त उसके पैर रहते हैं। आप जितने बड़े नेता बन जाएंगे आपको लोगों से उतना ही ज्यादा कांटेक्ट करना पड़ेगा, चुनाव के टाइम में एक कार्यकर्ता अवेलेबल हो या ना हो, जाए या ना जाए, लेकिन आपको जरूर जाना है, पब्लिक को एड्रेस करना है, पब्लिक से कांटेक्ट आपको करना है। जिस दिन ये नहीं रहेगा, आप बड़े नेता हो या छोटे नेता हो, आप तो डूबेंगे, पार्टी भी डूब जाएगी। और कहां करना है, ऐसा नहीं कि चुनाव दिल्ली में है तो आप बिहार में जाकर के कोई वहां पे रैली या कुछ कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? जो चीज सर पे है वहां पे फोकस करना चाहिए। 3 प्रदेशों में है कांग्रेस, भाजपा और जितनी भी पार्टी है, इवन आम आदमी पार्टी ने भी तीनों प्रदेश पे ही फोकस किया,
भाजपा ने किया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जहां चुनाव है उसको छोड़ के ना राहुल गांधी जी वहां फोकस कर रहे हैं, ना किसी को जिम्मेदार बनाया है, कोई है ही नहीं पिक्चर में, उसको छोड़ के बाकी सारी चीजों पे फोकस कर रहे हैं। ठीक बात। तो कैसे कल्याण होगा, कैसे वापसी इनकी हो, हमारी शुभकामनाएं हैं, हम कैसे उम्मीद करें कि वापसी हो जाए।